नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। मैं हूं पीसी वर्मा और आज हम देखेंगे भारत एक परिचय, कक्षा 9 का चैप्टर 2 है ये। और इसमें हम देख रहे हैं कि भारत की भौगोलिक स्थिति प्राकृतिक तौर पे किस तरह की है। हमने पहले देखा था कि जो भारत का जो स्थिति है वहां पे हर प्रकार के क्षेत्र हैं। आपको हिमालय का क्षेत्र मिलेगा जो कि पर्वतीय एरिया है, हिमालय जो है। उसके बाद हिमालय का एरिया आपको यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद है जो मैदानी एरिया है, मैदान जो है उत्तर भारत के जो मैदान है वो आपको इस तरफ दिखाई देंगे, ये दिखेगा। तीसरा जो है हमने पर्वतीय क्षेत्र देखे थे, पहाड़ी क्षेत्र जो है, प्रायद्वीपीय पठार जो देखे थे हमने, प्रायद्वीपीय पठार जो है वो इस तरफ के क्षेत्र में आपको पूरे दिखाई देंगे। ये लगभग एरिया है ये, इसमें आपको मध्य भारत के पठार मिलेंगे और ये दक्षिण का पठार है यहाँ पे। और फिर जो है वो है समुद्री क्षेत्र। भारत में सभी तरह के क्षेत्र हैं, तो ये समुद्री क्षेत्र जो है समुद्री मैदान खड़े में तो तटवर्ती क्षेत्र है, क्योंकि पश्चिम ये उत्तर पूर्व पश्चिम आप रख लीजिएगा, ये जो है ये उत्तर है, आपका दक्षिण है, ये पश्चिम है, ये पूर्व है। तो जो पूर्वी है ये पूर्वी एरिया आएगा, पूरा बाउंड्री है वो है। और इसके अलावा ये जो है पश्चिमी तट जो है, ये तट वाला एरिया है। अब हमारे पास बच गया सिर्फ एक एरिया और वो है मरुस्थल। मरुस्थल एरिया है क्योंकि भारत में हर प्रकार की परिस्थिति है, मरुस्थल भी है, हिमालय के जैसे जगह है जहाँ पर आपको बर्फ मिलेगा, मैदान है जहाँ पर आपको सारे मैदान मिलेंगे। और हम एक प्रकार से इसे ऐसे समझ सकते हैं समझने के लिए, जैसे मान लीजिए हिमालय से हम प्रारंभ करते हैं, हिमालय का जो पहाड़ है वहां से हमने प्रारंभ किया। आगे आने पर जैसे ही हम पहाड़ से नीचे उतरते हैं हमें मैदान मिलेंगे, खास जहाँ पे है, क्योंकि ये जो मैदान है जब हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ करोड़ों साल पहले, तो यहाँ पर जो गड्ढे बन गए थे उसमें मिट्टियों का भराव हो गया था और ये कुल मिलाकर हजारों मीटर तली तक इसमें मिट्टी भर गई थी और ये एक समतल तरह का एरिया बन गया। इसके बाद जब हम इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे चट्टाने मिलेंगी आपको, छोटे छोटे पठार, बहुत बड़े पर्वत तो नहीं मिलेंगे, चट्टानों की तरह के एरिया मिलेंगे। हिमालय जैसा नहीं मिलेगा, हिमालय बहुत ऊंचा है, लेकिन उससे छोटे ये छोटे छोटे आपको मिलेंगे पहाड़ इस तरफ के पूरे। यहाँ पे इसको पठार कहा जाता है, यहाँ पे आपको पठार की तरह एरिया मिलेंगे। और फिर ये जो किनारे वाला हिस्सा है समुद्र तट का, जो लगभग 150 से 500 किलोमीटर तक का माना जाता है, तो वो आपको मिलेगा। और फिर बचा हुआ हिस्सा जो है ये वाला एरिया जो ये भी हिमालय क्षेत्र में आ जाएगा, तो ये वाला हिस्सा बचा हुआ इसे आप देख सकते हैं, क्योंकि लूनी नदी है यहाँ पे, अरावली की पहाड़ी है वहां पर से लगा हुआ एरिया। तो ये जो क्षेत्र है ये आएगा आपका मरुस्थल, मरुस्थल राजस्थान जो एरिया है वो इसमें आएगा। तो राजस्थान का क्षेत्र हम देखेंगे कि किस प्रकार से है। तो राजस्थान है वहां पे बारिश बहुत कम होती है, पानी की बहुत कमी है, सबसे बड़ी बात है। पहले हम देखते हैं कि मरुस्थल किस प्रकार का होता है। जो मरुस्थल है, जैसे आप अपने आसपास कहीं सड़क पे निकलते हैं तो क्या होता है, जैसे आप निकले अपने आसपास की सड़क पे या किसी भी जगह छत्तीसगढ़ में आप चले गए तो आपको कुछ होटल दिखाई देंगे, कुछ दुकानें दिखाई देंगी, कहीं पे बस स्टैंड जैसा चीज दिखाई देगा, कहीं पे तालाब मिलेगा, कहीं पे आपको लोग बैठे हुए मिलेंगे। इस प्रकार का ये क्षेत्र होता है कुल मिलाकर। और चारों तरफ पेड़ पौधे होंगे, ये तो निश्चित है कि आप निकल गए तो कहीं ना कहीं आपको पेड़ दिखाई देगा, घास दिखाई देंगे, कहीं पे गार्डन इत्यादि दिखाई देगा। और साथ ही इस प्रकार का क्षेत्र दिखाई देगा जो कि हरा भरा इस तरह का है। लेकिन राजस्थान जो है वहां पे आप यदि निकलते हैं बाहर तो आपको दूर दूर तक खाली रेत दिखाई देगा। आप निकल गए तो आपको रेत दिखाई देगा, कहीं एक आध दुकान इत्यादि दिखाई देगा, लेकिन कुल मिलाकर जो आबादी है वो आपको ज्यादा दिखाई देगी। शहरों और गांव की बात अलग है, जो गांव और शहर है उनमें तो थोड़े बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन बीच का जो जगह है बहुत सारे खाली जगह इस प्रकार दिखाई देंगे। और इसी प्रकार से पूरा राजस्थान आपको कटोगे दिखाई देगा लगभग। अब वैसे आबादी, क्योंकि लोगों ने संसाधन विकसित कर लिए हैं बहुत हद तक, तो थोड़ी चहल पहल अभी दिखाई देती है, लेकिन पहले के हालात ये थे कि बहुत दूर दूर तक इसी प्रकार के
दिखाई देते थे। दो प्रकार के मरुस्थल होते हैं, जो मरुस्थल है तो उसका प्रकार जो है आप याद कर लीजिएगा, एक तो होता है आपका उष्ण, उष्ण मरुस्थल होता है, दूसरा होता है शीत मरुस्थल। उष्ण मरुस्थल में आप देख सकते हैं कि जो सहारा का क्षेत्र है, सहारा इसे बहुत बड़ा मरुस्थल माना जाता है, बहुत बड़ा मरुस्थल है, ये सबसे बड़ा मरुस्थल जो है उष्ण मरुस्थल वो सहारा है, और सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है वो अंटार्कटिका है। ये आप एक तरह से समझ सकते हैं कि जो उष्ण मरुस्थल होता है वहां पे रेत होता है चारों तरफ, जो शीत मरुस्थल होता है वहां पे बर्फ होता है, अंटार्कटिका है, यहाँ पे आपको रेत मिलेंगे चारों तरफ, यहाँ पे आपको बर्फ मिलेगा। आबादी तो दोनों जगह नहीं मिलेगी, लेकिन यह है कि रेत वाला जो हिस्सा है, यहाँ रेत के तूफान चलते हैं, रेतीले तूफान, रेतीले तूफान आपने देखा होगा आपके आसपास, जब तूफान आता है तो उसमें क्या क्या आता है, पत्तियां आती हैं, जो हमारे छत्तीसगढ़ में जैसे होता है, पत्तियां उड़ के आएंगी, कुछ आपको धूल मिलेगा थोड़ा बहुत, या पानी आ सकता है साथ में, इस तरह का तूफान आता है, जब तूफान आता है तब। ये आप समझ सकते हैं कि जब आंधी तूफान कहा जाता है तो आपको ये चीज दिखाई देगा, लेकिन राजस्थान में जो तूफान आता है वहां इस तरह का तो आएगा ही, जिसमें पत्तियां नहीं होगी क्योंकि पेड़ कम है, धूल होगा, पानी होगा, और वहां पे रेत का तूफान भी आता है, इसमें सिर्फ रेत उड़ेगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से रेत उड़ा उड़ते उड़ते गया और यहाँ पे टीले की तरह जमा हो जाएगा, टीला बन जाएगा, रेत के टीले बन जाएंगे, इस टाइप के टीले बन जाएंगे जो रेतों का ढेर होगा, इस प्रकार से अलग अलग जगहों पे रेत उड़ते रहती है वहां पे, तो ये है वहां पे तूफान जो आता है, जो इस टाइप का तूफान है, यहाँ नहीं आता कि जहाँ पे रेत उड़े बर्फ में उस तरह के तूफान नहीं आते, तो आप फर्क समझ सकते हैं कि किस प्रकार से होगा। जो उष्ण जो आपके मरुस्थल हैं वो आपको सहारा में मिलेंगे, अरब का मरुस्थल मिलेगा, कालाहारी, ग्रेट विक्टोरिया, सीरिया, और उसके साथ साथ ग्रेट सैंडी, सोनोरम, और उसके बाद आता है थार मरुस्थल जो है हमारा भारत में, तो दक्षिण एशिया में थार मरुस्थल है, और उसी प्रकार से हमारे आसपास जो मरुस्थल है अंटार्कटिका जैसे शीत मरुस्थल, तो शीत मरुस्थल भी दुनिया में बहुत सारे हैं, गोबी का है, पेंटागोनिया है, ग्रेट बेसिन है, कराकुम है, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे हैं, तो ये क्षेत्रफल में बहुत बड़ा एरिया ये रखते हैं। किलोमीटर में जैसे देखें तो सहारा जो है वो लगभग 1,000,000 वर्ग किलोमीटर का उसका होगा, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, ये आप समझ सकते हैं, ये क्षेत्रफल है आपका सहारा का, और जो दूसरा है हमारा अंटार्कटिका, उसका जो क्षेत्रफल है, और ये क्षेत्र जो है ये वर्ग किलोमीटर में है, बहुत बहुत बड़ा एरिया जो है, या आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र, आपको 1 किलोमीटर कहने में भी आप समझ सकते हैं कि जो 1 किलोमीटर है, आप अनुमान लगाइए 1 किलोमीटर आपके लिए कितना होगा, तो ये जो क्षेत्र है ये कितना है, और जो हमारा अपना मरुस्थल है उसका क्षेत्र है ये वर्ग किलोमीटर, हमारा जो राजस्थान क्षेत्र थार मरुस्थल है, तो आप समझ सकते हैं जो यहां पे थार का मरुस्थल है उसका एरिया है 2 लाख के आसपास, क्या देख सकते हैं, और ये है आपका 90 लाख, जो सहारा का मरुस्थल है तो उसका क्षेत्र कितना अधिक है ये आप समझ सकते हैं। तो ये है मरुस्थल जो है, उष्ण मरुस्थल होता है, शीत मरुस्थल होता है, इसका डिफरेंस जरूर देख लीजिएगा, डिफरेंस आपके क्वेश्चन में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि उष्ण मरुस्थल और शीत मरुस्थल का अंतर क्या होता है, सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा आपने देख लिया है, उसके साथ साथ और भी चीजें हैं कि इस महाद्वीप में
उष्ण मरुस्थल नहीं पाया जाता। तो आप देख सकते हैं अंटार्कटिका जो है वहाँ पर नहीं पाया जा सकता। और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि कुल मिलाकर उष्ण और शीत मरुस्थल जो है उसमें किस मरुस्थल का साइज ज़्यादा हो रहा है वो आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ मैप पे थार के मरुस्थल और जो अपना राजस्थान है उसका एरिया भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। आपको अरावली की पहाड़ी को देख लेना है, क्योंकि अरावली की पहाड़ी के बाद से जो क्षेत्र है, जो अपना मरुस्थल का एरिया है, वो आपको दिखाई देता है मुख्य तौर पे। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, ये सारे एरिया हैं। तो ये है भारतीय मरुस्थल, और भारतीय मरुस्थल में जीवन यापन बहुत कठिन होता है। क्यों होता है? मुख्य तौर पे एक शब्द में आप समझ सकते हैं, पानी। पानी नहीं होता वहां पे, और बिना पानी के जीवन कैसे होता है? पानी होता भी है तो बहुत कम मात्रा, बहुत कम। तो पानी नहीं है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि सबसे बड़ी परेशानी क्या है, है ना? तो पर्यावरण जो है पानी पर निर्भर है। हमको, आपको हर समय पानी की आवश्यकता है, पानी के बिना कोई काम नहीं होता। सुबह नहाने से लेकर रात सोने तक, सोने के बाद भी आपको पानी की आवश्यकता पड़ जाती है। रात में भी प्यास लगा तो आपको पानी पीना पड़ेगा, लेकिन राजस्थान में आपको पानी ही नहीं मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से वो लोग अपना जीवन जीते हैं, बहुत कठिन तरीके से उन्हें अपना जीवन जीना पड़ता है। जहाँ पे लोग हैं, काम काज करते हैं, पारंपरिक उद्योग धंधे हैं, चूड़ी बनाना, लाख के सामान, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कपड़े की बुनाई, रंगाई, और साथ ही साथ आभूषण पे मीनाकारी करना, पत्थर की मीनाकारी करना। क्योंकि राजस्थान में आप जानते हैं कि जो राजस्थान है वो अपने संगमरमर के लिए भी मशहूर है। संगमरमर जो है, आगरा का जो ताजमहल बना हुआ है वो यहीं के संगमरमर से बना हुआ है। बहुत सारे वहाँ के क्षेत्र है जहाँ पे संगमरमर मिलता है, काम होता है वहाँ पर। इसके साथ साथ जो लोग हैं, तो गुजरात क्षेत्र है ये आस पास लगा हुआ है, गुजरात क्षेत्र से राजस्थान का काम काज चलते रहता है, और काठियावाड़ और कच्छ के लोग व्यापार के लिए राजस्थान जाते हैं और वहाँ आपस में उनका काम काज चलते रहता है। जो ज़्यादातर लोग हैं वो कृषि करते हैं, और पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय है। क्योंकि जो कृषि है वो भी बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर तो नहीं हो पाता, क्योंकि पानी की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन अब नहरों का निर्माण किया गया है, और नहरों के द्वारा, नहरों की भी बहुत बड़ी कहानी है यहाँ पे कि नहर और पानी यहाँ पे किस प्रकार लाया गया। तो जो क्षेत्र है वहाँ पर जो पशुपालन होता है, तो वहाँ पे ऊन, भेड़ों का पालन किया जाता है, ऊन जो है वहाँ पे मिलता है भेड़ों के कारण। और इसके कारण बीकानेर जो है एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी बन गई है, और ये उनके लिए बहुत हद तक जीवन यापन का एक साधन है, उनके लिए एक, उनके जीवन को बसर करने के लिए बहुत हद तक ये काम आता है जो ऊन का व्यवसाय है। इसके अलावा वहाँ पे मरुस्थल है, वन नहीं है, जंगल आपको नहीं मिलेंगे। बहुत सारे जो पेड़ हैं जिनको पानी की आवश्यकता होती है, तो उनका भी वहाँ पे जगना संभव नहीं हो पाता। हाँ, एक चीज़ है जो प्रकृति ने किया है, जो एक खेजड़ी, खेजड़ी नाम का एक पौधा होता है, एक तरह से समझा जाए तो प्रकृति ने अपनी तरफ से मनुष्य को वरदान दिया है खेजड़ी के रूप में। उसे आप समझ सकते हैं, जो खेजड़ी का पौधा होता है या पेड़ कह सकते हैं, तो जो वृक्ष है वो बहुत महत्वपूर्ण है वहाँ पे। वो न सिर्फ मनुष्य के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं, घर बनाना हुआ तो खेजड़ी से हमको क्या मिलता है, लकड़ी, जो कि घर बनाने के लिए, साथ ही साथ गाड़ियां इत्यादि बनाते हैं लोग, और भी अलग अलग तरह की चीजें बनाते हैं, तो लकड़ी मिलता है मनुष्य को। दूसरा, जानवरों को उसकी पत्तियां मिलती हैं जो कि वो खाते हैं, पत्तियों खाने के साथ। तो जानवरों का वहाँ घास तो नहीं मिलता बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत मिल जाएगा तो मिल जाएगा, लेकिन पत्तियाँ जो है वो जानवरों के लिए काम करती हैं। साथ ही साथ तो खेजड़ी का पेड़ होता है, एक तरह से आप समझ सकते हैं जो पेड़ है, ये पेड़ है और ये उसकी जड़ें हैं, जमीन के अंदर जड़ें हैं। तो ये पत्तियां जो है ये पशुओं के काम आती है।
साथ ही साथ ये जो पत्तियां हैं ये वातावरण को शुद्ध करती है, ऑक्सीजन इनके द्वारा निकलता है, जो लकड़ी है वो मनुष्यों के काम आती है, और जो जड़ वाला हिस्सा है पहले तो ये पानी को रोकता है, जानते हैं पेड़ों से पानी रुकता है, पानी बचाते हैं, वो जमीन को बांध के रखते हैं। इसके साथ साथ मुख्य बात ये है जो खेजड़ी है उसके जड़ में नाइट्रोजन का यौगीकरण होता है, जैसा आप देखते हैं कि दालों में इस प्रकार की बातें कही जाती है, खेजड़ी में भी वही बात है, जड़ों से नाइट्रोजन को वो रोक के रखते हैं, वहाँ पे यौगीकरण करते हैं, और वो बहुत हद तक कृषि में भी सहायक होते हैं, पर्यावरण को भी बनाए रखने में बहुत सहायता करते हैं। तो ये जो है यहाँ पे रोहिड़ा फर्नीचर के लिए बहुत उपयुक्त होता है, जो एक वृक्ष है वो भी, जो दो वृक्ष हैं, रोहिड़ा का भी वृक्ष होता है, इससे फर्नीचर बनाए जाते हैं। तो ये बहुत उपयोगी चीजें हैं वहां की, खेजड़ी और रोहिड़ा ये वृक्ष हैं जो बहुत काम आते हैं। साथ ही साथ जो रोहिड़ा है उसकी छाल से औषधि का भी काम किया जाता है। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पे खनिज पदार्थ भी बहुत सारे पाए जाते हैं, बीकानेर और बाड़मेर में इल्मेनाइट, जैसलमेर और जोधपुर में चूना पत्थर, साथ ही साथ कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे आपको खनिज तेल भी मिलता है, क्योंकि रेत में खुदाई करना आसान होता है, और साथ ही साथ खुदाई कर भी ये पता चला है कि वहाँ पे आपको खनिज तेल भी मिल सकता है, खनिज तेल भी वहां से निकाला जाने लगा है, क्योंकि खनिज तेल बहुत ही कीमती होता है, साथ ही साथ बहुत सारे कामों में इसकी आवश्यकता होती है। तो खनिज तेल है, और यदि खनिज तेल निकल रहा है तो उसके साथ में प्राकृतिक गैस भी मिलता है, ज्यादातर ऐसा होता है जहाँ पे खनिज तेल होता है वहाँ प्राकृतिक गैस भी मिल जाता है आपको। तो प्राकृतिक गैस और खनिज तेल जो है मुख्य संसाधन है विकास के लिए, तो इसका वहाँ पे मात्रा मिलती है और वो निकाला जाता है। साथ ही साथ जो संगमरमर हमने बताया था वो मकराना में मिलता है, सफेद संगमरमर जो कि बना हुआ है ताजमहल, वो मकराना में संगमरमर प्राप्त होता है। और ये चीजें जो राजस्थान है वहां के लोगों के जीवन यापन के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति को दृढ़ करने के लिए बहुत काम आती है। और इसके साथ साथ अब ये प्रयास किया जा रहा है जो पवन चक्की है, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस प्रकार का एरिया है पूरा खुला एरिया है, अगर वहां पे पवन चक्की लगा दी जाए तो वो बहुत हद तक बिजली का उत्पादन कर पाएगा। बहुत बड़े बड़े स्थान पे बिजली लगाने, बिजली के लिए पवन चक्कियों की स्थापना की जा रही है, बहुत बड़े एरिया को घेर कर वहाँ पर पवन चक्कियाँ लगाई जाती हैं बहुत श्रृंखला में। तो साथ ही साथ एरिया खुला है तो सौर ऊर्जा भी यहाँ पे बनाई जा रही है, क्योंकि प्रयोग किया जाता है, ये ना खत्म होने वाली ऊर्जा है। यदि पवन चक्की और सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाएगा तो लंबे समय तक हम उनका उपयोग करते हैं, क्योंकि वह नवीनीकृत होते हैं, जो स्रोत वापस बनाए जा सकते हैं नवीनीकृत होते हैं। और जैसे कोयला है जिसे नहीं बनाया जा सकता, एक बार जलाने के बाद कोयला खत्म हो जाता है, लेकिन सौर ऊर्जा और पवन चक्की खत्म नहीं होते, वो हमेशा अपना ऊर्जा प्रदान करते रहते हैं, सूर्य की ऊर्जा हमेशा मिलती है और सूर्य की ऊर्जा से सौर ऊर्जा बनती है। तो ये जो है राजस्थान का आर्थिक और व्यापारिक विकास करने में इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा योगदान है। और साथ ही साथ यहाँ पे पानी जो है वो सतलज से आता है, जो इंदिरा गांधी नहर है उसे लाइफलाइन की तरह माना जा सकता है, और ये काम प्रारंभ हुआ था क्योंकि यहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है। तो इसे देखते हुए बहुत ज़्यादा एक बार जो है ये कहानी है राजा गंगा सिंह की, जो महाराज गंगा सिंह थे तो सूखा पड़ा था, तो इस इलाके में 1899 जो है 1900 में सूखा पड़ा, बहुत बड़ा सूखा पड़ा। इस समय पे महाराज गंगा सिंह जो थे 1899-1900 में सूखा पड़ा था, तो जो राजा थे उस समय पे बीकानेर के महाराजा थे, वो कहाँ के महाराजा थे, बीकानेर के,
गंगा सिंह, इन्होंने इस चीज को ध्यान दिया कि चूंकि पानी की किल्लत की वजह से सूखा पड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा परेशानी हुई जनता को, तब उन्होंने सतलज के जल को सिंचाई के रूप में नहर से लाने की योजना बनाई और उन्होंने नहरों की खुदाई करवाई। तो जो गंगानगर जिला है वो उन्होंने स्थापित करवाया था और उन्होंने सिंचाई की परियोजना बनाई। जब सिंचाई की परियोजना बनी और उन्होंने नहर को बनवाया तो आप देख सकते जो गंगा नहर है वो बहुत दूर तक फैला हुआ है। और बाद में फिर आजादी के बाद, ये तो उन्होंने सन 1900 में ही किया था और धीरे धीरे इसका असर भी मिलने लगा था, जो क्षेत्र था बहुत हद तक सिंचित होने लगा था और धीरे धीरे ये महसूस किया जाने लगा कि इसे आगे बढ़ाना है। तो फिर इसे 1985 इस पर काम आगे बढ़ा और फिर इसका नाम इंदिरा गांधी नहर रख दिया गया। इसका और विस्तार किया गया, इसका नाम इंदिरा गांधी नहर रखा गया और फिर इसका विस्तार बहुत दूर तक किया गया और इसे इस नहर से पंजाब और हरियाणा को भी पानी मिलता है। ये बहुत दूर तक बनाया गया, इसे बहुत लंबा ये श्रृंखला बनी हुई है जो कि गुजरात तक पहुंच जाती है, राजस्थान जो है इनके माध्यम से बहुत हद तक सिंचित हो गया और फिर इससे राजस्थान के जितने रेतीले क्षेत्र थे, बहुत सारे क्षेत्र थे रेतीले, जो उसमें बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, ये सभी जगह पर, साथ ही साथ जोधपुर और मुख्य तौर पर गंगानगर को इससे पानी मिला। साथ ही साथ कृषि का भी विस्तार हुआ क्योंकि अब पानी तो आने लग गया, नहरों की श्रृंखला, जैसे आप समझ सकते हैं कि नहरों की श्रृंखला बढ़ेगी तो निश्चित तौर पे वहां पर इस तरह से नहर है मान लो, इसके आसपास के जितने खेत हैं इनको पानी मिलने लग गया तो यहाँ पे पैदावार बढ़ गई बहुत हद तक। लेकिन इसका दुष्प्रभाव भी होने लगा, जो नहर तो पहुंची, लोग खेती किसानी करने लगे, लेकिन जब वो खेती किसानी करते थे तो यहाँ जो खेत हैं जमीन को जोता जाता था, और आपने देखा होगा आपके आसपास भी जो खेत है उन्हें जब आप खेती करते हैं उसके बाद जब सूखा छोड़ देते हैं तो वहाँ पे मिट्टी चिकनी हो जाती है और उड़ने लगती है, तो ये मिट्टी उड़कर नहरों में जाने लगी। तो नहरों से फिर मिट्टी निकालने का काम भी करना पड़ा, चूँकि रेत भर जाती है, वहाँ रेत की आंधियाँ भी चलती हैं तो रेत नहर में भर जाती है और रेत को फिर निकालना पड़ता है। इसके साथ साथ जो पानी है वो स्थानीय पानी से भी मिलता है, जैसे नहर यहाँ जाएगा, यहाँ पे कहीं तालाब है और कोई स्रोत है, तो ये जो पानी है वो किसी न किसी प्रकार से इनसे भी मिल जाएगा। जब खेती करेंगे और धान इत्यादि उगाते हैं तो आपने देखा होगा खेत पानी भरा रहता है, तो यदि नहर से पानी ले रहे हैं तो वो किसी प्रकार से तालाब में चला जाएगा, साथ ही साथ भूमिगत जल से भी मिल जाएगा, तो ये जो है ये जल खराब हो जाता है। इससे जो पानी है, चूँकि पहले ही पानी की कमी है और हमने बताया था सबसे बड़ी जरूरत है इंसान की वो है पानी, खाना ना खाने पर भी एक बार आदमी कुछ समय तक जी सकता है, आपने भी देखा होगा थोड़ी देर तक हम वेट कर लेते हैं लेकिन अगर प्यास लगती है तो वो वेट नहीं कर सकते। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इंसान को पानी की। अब पानी खारा हो गया, पानी वैसे ही कम है, तो इसके कारण लोग चूँकि खेत भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, साधन भी नहीं है, लोग मजदूरी करने शहरों में जाते हैं, अब प्लान करते हैं। तो अब जब इसके साथ में जैसे मान लीजिए खेत है तो पशु जो हैं उनको कहाँ से चारा मिलेगा, तो पशुओं को भी जब यहाँ पे फसल उगी है तब पशु वहाँ जा नहीं सकते, पशुओं के लिए भी चारे की समस्या होती है, वो कहाँ से इतना चारा पाएंगे, क्योंकि खेत ऐसे स्थान पर बनाए जाते हैं जहाँ पर मैदान की तरह के क्षेत्र होते हैं, यहाँ जहाँ पानी वानी होता है, आसपास तो घास वगैरह होता है, अब पशुओं को भी उस तरफ जाने नहीं दिया जाता, तो सबसे ज़्यादा समस्या पशुओं के लिए भी हो गई है, खाने की समस्या। तो ये है राजस्थान, और राजस्थान की एक और भी बात है कि वहाँ पे जो रात होती है, रात में वहाँ बहुत ठंड पड़ती है, मौसम जो है यहाँ रात में ठंडा हो जाता है और दिन में गर्म हो जाता है, और ये गर्म और ठंडा होने का अंतर भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ठंड हो जाता है रात में, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है दिन में, तो एक ही दिन में आपको दोनों प्रकार के मौसम दिखाई देंगे, बारिश नहीं होती जिससे जंगल नहीं पनप सकते और साथ ही साथ
दूर दूर तक आपको आवागमन के लिए भी इस प्रकार से परेशानी हो जाती है, क्योंकि लोग ज़्यादा नहीं होते तो साधन भी ज़्यादा नहीं मिलते, तो ज़्यादातर लोग अपने घरों में रहते हैं, उनकी झोपड़ियाँ जो होती है गोलाकार झोपड़ियाँ होती है, तो अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, इनके घरों को वास लगा जाता है, वास व्यक्ति के नाम के साथ वास लगाया जाता है, जो उनके घरों को रिप्रेजेंट करता है कि ये घर है, साथ ही मोहल्ले और अलग अलग बैठके इत्यादि होती है। मुख्य तौर पे यहाँ का सबसे बड़ा, हम पहले भी बोल रहे थे, यहाँ का सबसे बड़ा कीमती चीज जो है पूरे राजस्थान का, वो है एकमात्र पानी। ये है सबसे कीमती चीज, और इसे बचाने के लिए लोग अपने घरों में जैसे पानी की टंकियां हैं, ये आप देख सकते हैं पानी की टंकी है, पानी इसमें रखा हुआ है, तो इसमें उनको ताला लगाना पड़ता है, ताला लगाकर रखना पड़ता है। यदि घर से बाहर पानी की टंकी तो पानी ना ले जाए, जैसे ये घर है आप देख सकते हैं यहाँ पे घर बना हुआ है और पानी का टंकी बाहर में है, तो उनको ये पानी का टंकी कहाँ से आता है, ये पानी का टंकी उन्होंने व्यवस्था कर रखी हुई है कि किस प्रकार से पानी बचाया जाए, इसके लिए परंपरागत व्यवस्थाएं की जाती है, जल प्रबंधन किया जाता है, जो पानी है बहुत नहीं मिलता तो जो पानी मिलता है उसे बचाने के लिए व्यवस्था की जाती है। तो यहाँ के परंपरागत तरीके में क्या है, जैसे उन्होंने ये व्यवस्था बना रखी है कि जो छत है, जैसे किसी का पक्का घर है, यहाँ आप देख सकते हैं पक्का घर बना हुआ है, तो वो क्या करते हैं, ये घर है तो यहाँ से नाली के बनाकर, छत से नाली बनाते हुए वो टंकी में लाते हैं, और इस टंकी में पानी फिर एकत्र होता है, जब बारिश होता है तो उसे एकत्र किया जाता है। ये परंपरागत तरीका है, लेकिन ये तरीका बहुत हद तक लोग अब छोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि समय के साथ साथ परिस्थितियां बदलती हैं, तो ये जो तरीका है अब आउटडेटेड हो गया। लगभग बहुत सारे लोगों ने ये किया हुआ है क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई है, साथ ही साथ सिंचाई का उन्नत तकनीकों का प्रयोग भी अब किया जा रहा है, वन क्षेत्र में वृद्धि हो गई है, तो विवेकपूर्ण तरीके से पानी का यदि उपयोग किया जाए तो वो थोड़ा पानी भी बचाकर बढ़ाया जा सकता है। तो इसको देखते हुए उन्होंने क्या किया है, पहले तो छत का पानी लाते हैं, जो है जमा करना पानी, इस प्रकार से छतों से पानी जमा किया जाता है। दूसरा तरीका है तालाब, तालाब बनाना, इसके साथ साथ कुआं, कुआं बनाया जाता है। तो ये तरीके हैं जो परंपरागत तरीके हैं, परंपरा के आधार पे परंपरागत तरीके हैं ये, इससे पानी को बचाया जाता है, जल संरक्षण बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो ये चीजें हैं, साथ ही साथ इसके अलावा जो तालाब जो है वहां पे बावड़ियां बनाई जाती हैं, बावड़ियां जो सीढ़ी 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 बने होते हैं वहां पे, ये आप देख सकते हैं इस प्रकार की सीढ़ियों वाले, इसके अलावा और भी नीचे और अलग अलग शेप के सीढ़ी बनाकर यहाँ पर इस तरह से बड़े बड़े वहां पे बावड़ियां बनाई जाती, बहुत बड़ी बड़ी बावड़ियां, बहुत गहरी बावड़ियां बनाई जाती है जो सीढ़ी के आधार पर बनते हैं, और पानी जैसे जैसे कम होते जाता है तो इस सीढ़ियों का उपयोग कर नीचे से पानी निकाला जाता है। बहुत बड़ी बड़ी बावड़ियां बनती है और बहुत कलात्मक अर्थात वैज्ञानिक तरीके से पुराने समय से ही ये कार्य किया जाता रहा है कि वहाँ बावड़ियां बनाई गई, बहुत बड़ी बड़ी बावड़ियां, बहुत सारा पानी का वहाँ संग्रह किया जाता है और अधिक से अधिक कोशिश की जाती है कितना अधिक से अधिक पानी बचाया जा सके। तो ये तरीके हैं, जो कि साथ ही साथ नदी का निर्माण, नदी का जो गहराई गहरीकरण है और झीलों को आपस में जोड़ना, झील पहले महाराजा जो गंगा सिंह थे उन्होंने भी ये प्रयास किया था कि वो एक तरह से बांध बनाकर पानी को लाने का काम जो है वो लंबा चौड़ा काम किया गया था और बाद में उसे और बढ़ाया गया इंदिरा नहर के रूप में और ये बहुत दूर तक पानी को पहुँचाया गया। इसके बाद बहुत सारे आधुनिक तरीके, और ये हमने आपको बताया था कैसे ये टंकी जो है वो स्टोर करके रखा जाता है घरों में। इसके अलावा अब आधुनिक तरीके से, चूंकि आप जानते हैं तो 22 मार्च को जल संरक्षण दिवस होता है, इसे जरूर याद कर लीजिए 22 मार्च, ये पूछा भी जा सकता है आपको, तो 22 मार्च जो है जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और इसके साथ साथ आधुनिक तरीके का प्रयोग किया जाता है, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग है,
ये जो परंपरागत तरीका है ये भी बहुत कारगर है। अब इसमें पाइपों इत्यादि का प्रयोग करके पूरे पानी को इकट्ठा करने का प्रयास किया जाता है जमीन के अंदर, जैसे ये टंकियों में करते थे, तो टंकियों में कराया जा सकता है। साथ ही साथ रेन वाटर जो है जमीन के अंदर जो स्रोत है, यहाँ देख सकते हैं जमीन के अंदर स्रोत होते हैं, तो पानी को छतों से इकट्ठा करके पाइप के माध्यम से जमीन के अंदर ले जाया जाता है। चूंकि राजस्थान में पानी का लेवल बहुत ज्यादा नीचे है, बहुत ज्यादा नीचे, तो उसे बढ़ाने के लिए इस प्रकार का प्रयास किया जाता है। साथ ही साथ जो कम वर्षा वाला क्षेत्र है वहां पर पानी को पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। नहरों की श्रृंखला जो है वो और बढ़ाई जा रही है धीरे धीरे। अब यहाँ पे भी हरियाली का कुछ प्रभाव दिखने लगा है, क्योंकि आज के समय में टेक्नोलॉजी बहुत विकसित हो गई है, और प्रयास ये भी है कि आने वाले समय में और जल्दी से जल्दी, और लोगों के मनोभाव में भी आ गया है कि किस प्रकार से सबसे बड़ी बात है नदियों का संरक्षण करना, और जो कचरे इत्यादि नदियों में फेंके जाते हैं, साथ ही जो उद्योग हैं उनके द्वारा जो कचरा इत्यादि नदियों में डाल दिया जाता है, गंदा पानी डाल दिया, जैसे जो उपलब्ध पानी तो है ही नहीं, आप देख सकते हैं पानी तो वहां मिलेगा नहीं राजस्थान में आपको, लेकिन जो पानी थोड़ा बहुत जो मिल भी रहा है उसे बचाने का अधिक से अधिक प्रयास किया जाता है। तो यह है भारतीय मरुस्थल जो हमने देखा, राजस्थान के बारे में हमने देखा, वहां पे बहुत सारे ऊंट इत्यादि के जीव होते हैं जो कि पानी को अपने अंदर बचा कर रखते हैं। प्रकृति ने उन्हें ऐसा वरदान दिया है कि वो अपने शरीर में पानी को रखते हैं, क्योंकि लंबे समय तक पानी नहीं मिलता, दूर दूर तक पानी नहीं मिलेगा। यदि आप रास्ते में निकल गए तो आपको व्यवस्था पहले से करनी होगी। तो ये है राजस्थान भारतीय मरुस्थल, ये हमने देखा। तो ये था पूरा भारतीय उपमहाद्वीप का प्राकृतिक स्वरूप, और इसी के साथ हमने शुरुआत में देखा था विविधता में एकता वाली बात को। तो विविधता में एकता है, आप समझ गए होंगे किस प्रकार से है, और यदि और अधिक जानना है तो हमारे वीडियो जो और इसके हैं हमारे इसी चैप्टर के, उसे भी देख लीजिएगा। और ये है मुख्य तौर पे विविधता में एकता, इसको समझने के लिए आपको सारे वीडियो देखने पड़ेंगे, और आप फिर पूरा समझ जाएंगे कि विविधता में एकता किस प्रकार से है। ये अलग अलग परिस्थितियां हैं, लोगों की परिस्थितियां अलग है, परिस्थितियां जो है प्राकृतिक परिस्थितियां हैं, आर्थिक स्थिति जो है वो अलग है सबकी, आर्थिक तौर पे भिन्नता है पूरे देश में, अलग अलग स्थान पे लोगों की आर्थिक तौर पे उनका सामाजिक परिवेश है वो भी अलग अलग तरह का है, अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग विचार हैं, अलग अलग धर्म जाति है, संप्रदाय है, भाषाएं अलग अलग है, बहुत सारी भाषाएं हैं, तो ये भाषाएं भी उसके अंतर्गत आ जाएगा। विविधता जो है भाषाओं की विविधता अलग है, साथ ही साथ खान पान जो है इस प्रकार के भोजन आपस में करते हैं, इस प्रकार का परिस्थिति है, उस प्रकार से समुद्री क्षेत्र में मछलियों इत्यादि का सेवन किया जाता है, और जो सामान्य क्षेत्र है वहां पे चावल दाल रोटी इत्यादि होता है। बहुत सारे एरिया ऐसे जहाँ गेहूं अधिक खाया जाता है, तो खान पान भी अलग है। साथ ही साथ कपड़े जो है वस्त्र जो है वस्त्रों में भी भिन्नता है, कहीं पे लोग गर्म क्षेत्र है वहां पे उनको हल्के कपड़े पहनने पड़ते हैं, जो गर्म क्षेत्र है उन्हें भारी और ऊन के बने कपड़े पहनने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से कुछ पॉइंट्स है, तो जरूर आप अपने पॉइंट्स नोट करिएगा और हमें कमेंट्स में बताइएगा विविधता में एकता किस प्रकार से है, अर्थात विविधता भारत में किस प्रकार से, कमेंट में जरूर दीजिएगा कि विविधता किस प्रकार से है और इसे एकता के रूप में किस प्रकार से बदला गया। ये स्थितियां हैं पूरे देश का हमने देखा, अलग अलग तरह के अलग अलग परिस्थितियां हैं, और देश का प्राकृतिक स्वरूप बिल्कुल अलग अलग है। तो आज के लिए इतने साथियों, और हमारा चैप्टर 2 यहाँ पे खत्म होता है, हम चैप्टर 3 देखेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतने साथियों, आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करिए, साथ ही साथ हमारे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिसका बटन इस वीडियो के नीचे दिया गया है, सब्सक्राइब लिखा है नीचे आप देख सकते हैं, सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे और आप हमसे जुड़ जाएंगे, और हम आपके लिए इसी प्रकार आपकी जरूरत की आपके काम की वीडियो लेकर आएंगे जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। हम ये भी देख रहे थे चैप्टर 9 क्लास 9 का चैप्टर 2, और ये चैप्टर 2 खत्म होता है। तो मैं आपसे फिर शीघ्र ही मिलता हूँ साथियों, नमस्कार, धन्यवाद।